ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल के लिए बनाया गया है।, इसमें गए का, क्रेडिट इसकी और्नर को है हम किसी भी करते hey, यूज है करते हैं जसराज सोनी आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गए ऑनलाइन थ्री बिट टू बिट विधि प्रोजेक्ट टोटल है जो आपको मैं चार सौ इकतीस प्रोजेक्ट देने वाला हूँ फोर थर्टी वन चार सौ इकतीस प्रोजेक्ट मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और इसका जो टोटल डाटा रहेगा अगर आप ऑनलाइन लेना चाहो तो ये डाटा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा 165 ए, एक सौ पैंसठ जी बी डाटा एक एक जी बी की एक सौ पैंसठ पार्ट मैं आपको दूंगा ये एक सौ पैंसठ पार्ट आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे एक पार्ट है जो एक जीबी का है तो एक सौ पैंसठ जीबी डाटा है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप हमसे परचेज करोगे तो अगर आप इतना डाटा नहीं है आप रूरल एरिया में रहते हो ग्रामीण एरिया में रहते हो आपके पास इतना डाटा नहीं है तो आप अगर ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो स्टोरेज डिवाइस का जो खर्चा लगेगा जो आपका लगेगा और हम आपको कुरियर करा देंगे अगर आपके पास अपना स्टोरेज डिवाइस है अगर ऑफलाइन खरीदोगे तो ऑफलाइन डाटा आपको अनजीप करा हुआ डाटा मिलेगा लगभग दो सौ के आसपास दो सौ या दो सौ डाटा रहेगा अगर आपके पास अपनी कोई हार्ड डिस्क है तो आप हम पार्सल करवा सकते हैं तो हम हार्ड डिस्क में भर के आपको दोबारा पार्सल कर देंगे इस जो डाटा का चार्ज है वो है एक हज़ार रुपये अगर कुरियर कराते हैं तो आपको सौ रुपये अलग से कुरियर चार्ज लगेगा और जो भी अगर आप हार्ड डिस्क वगैरह जो भी स्टोरेज डिवाइस आप अपना बेचते हो तो आपका चार्ज अदरवाइज हमसे खरीदना चाहते हो तो आप हमारे पास एस एस डी अवेलेबल है वो एस एस डी आप बाद में भी काम में ले सकते हो और वो एस लगभग आएगा सो पंद्रह सौ सोलह सौ रुपये का एस आएगा दो सौ चालीस जी का एस तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन डाउन डाउनलोड करने से बेटर आपसे आप ऑफलाइन आप डिवाइस खरीद दो डिवाइस के अंदर आपको डाटा मिल जाएगा बाकी स्क्रीन के ऊपर मेरा WhatsApp का नंबर दिख रहा होगा कॉल करके नंबर पे या WhatsApp करके आप पूरी डिटेल पता कर सकते हैं ठीक है ना रही बात की डाटा की प्रोवाइड ये ओपन डाटा है ई नाइन ई डी एस एट ई डी एस सेवन ई डी एस एक्स चारों में बहुत प्रॉपरली स्मूथ तरीके से वर्क करता है इसमें हर विधि के कितने प्रोजेक्ट है और कितना डाटा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस पे इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ पूरी डिटेल आपको बताऊँगा इसके बावजूद आपको कोई भी जानकारी चाहिए आपकी कुछ शंका है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं हम आपको पूरी टेक्निकल जानकारी प्रोवाइड करा देंगे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी हमारे पास और भी हर प्रकार के मिक्सिंग के रिलेटेड सॉफ्टवेयर डाटा वगैरह प्रोवाइड करवा देती है हम लोग तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको पूरी टेक्निकल जानकारी प्रदान करता हूँ और जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको भक्ति और स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्ट है वो आपको मिलने वाले टोटल ट्वेंटी वन प्रोजेक्ट भक्ति की बात करें तो जैसे अपन शुरुआत करते हैं तो कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने को गणेश जी की पूजा या भगवान की पूजा का वीडियो लगाना रहता है तो उसमें अगर उसने वीडियो में पूजा कर रखी है भगवान की या मंदिर का कोई शॉर्ट ले रखा है तो उसके लिए अपने स्टार्टिंग की प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको इक्कीस प्रोजेक्ट देंगे उसके बाद आती है सगाई के प्रोजेक्ट की, की बात तो हम आपको टोटल है जो उनचालीस प्रोजेक्ट है जो सगाई के देने वाले हैं उसके बाद आती है तिलक की तो बीस प्रोजेक्ट हम आपको तिलक के देने वाले हैं फिर उसके बाद हम आपको बॉय साइड के जो सॉन्ग लगाते हैं वो बीस प्रोजेक्ट आपको बॉय साइड के देने वाले हैं और नौ प्रोजेक्ट हम देने वाले हैं आपको गर्ल साइड के और उसके बाद हल्दी माटी माटिकोड और चुमा वन जो बॉय तर... बॉय की तरफ से होते हैं वो पंद्रह प्रोजेक्ट हम आपको इस टाइप के हल्दी माटिकोड और चुम्मा वन के देने वाले हैं बॉय साइड की तरफ से और सोलह प्रोजेक्ट हम देने वाले लड़की वालों की तरफ से वो है लावा जनेग और कोड के प्रोजेक्ट हैं उसके बाद हम आपको नहावन और सेहराबंदी के छः प्रोजेक्ट देने वाले हैं और उसके बाद जो बारात रास्ता और बारात एंट्री बारात रास्ता का मतलब है जो से बारात निकलती है और बारात एंट्री का मतलब है जहाँ ससुराल में दूल्हे की एंट्री होती है बारात की वहाँ आपको आठ प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं उसके बाद में जो डांस होता है दूल्हे का जो दुब बंदोली वगैरह निकलती है तो उसके नौ प्रोजेक्ट हम आपको देने वाले हैं उसके बाद में दुल्हे की जो ससुराल वाले तो उसका स्वागत करते हैं वेलकम करते हैं या दुल्हन वापस घर पर जाती है अपने ससुराल में तो वो वेलकम होता है तो बत्तीस प्रोजेक्ट हम आपको देने वाले हैं वेलकम के उसके बाद होता है परिचावन और गणेश पूजा परिचावन की बात करें तो दूल्हे के साथ बाराती वगैरह जो होते हैं वो उनके साथ परिचय करवाते हैं ये हमारा लगता है ये हमारा ऐसा लगता है उसके तो जो परिचय करवाते हैं उसको उसमें जो शूटिंग होती है और उसके बाद जो, जो गणेश पूजा होती है दूल्हे की और तोरण वगैरह जिसको बोलते हैं तो तेरह प्रोजेक्ट हम आपको देने वाले हैं परिचावन और गणेश पूजा के उसके बाद डिनर पार्टी की बात करें तो पंद्रह हम आपको प्रोजेक्ट देंगे डिनर पार्टी चाहे तो आप लड़कियों की डिनर पार्टी में लगा सकते हैं चाहे तो आप लड़की की डिनर पार्टी में लगा सकते हैं उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जयमाल का जयमाला के हम आप आपको टोटल ट्वेंटी वन प्रोजेक्ट देने वाले हैं उसके बाद नंबर आता है क्लोजअप सॉन्ग का तो क्लोजअप सॉन्ग के हम आपको चौदह प्रोजेक्ट देने वाले हैं और उसके बाद करते हैं मंडप में गर्ल की एंट्री होती है तो उसके आपको तो, तेरह प्रोजेक्ट हम आपको देने वाले हैं उसके बाद में होती है बॉय की एंट्री मंडप के अंदर और उसके बाद होता है कन्यादान तो कन्यादान के हम आपको देने वाले हैं सत्रह प्रोजेक्ट उसके बाद करते हैं सिंदूरन की जब फेरे फेरे लिए जाते फेरे से पहले सिंदूर डाला जाता लड़के की तरफ से लड़की की मांग में तो उसमें सिंदूर सिंदूरन के और विवाह मोल बोलो फेरों के दोनों मिला के आपको अट्ठारह प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं उसके बाद में जो भी फंक्शन होता है मैरिज के बाद में उसके टोटल ट्वेंटी नाइन उनतीस प्रोजेक्ट हम आपको देने वाले हैं उसके बाद में बॉय की गिफ्ट रसम होती है लड़की वाले और लड़के वाले मिल के बॉय को गिफ्ट में देते हैं तो उसके आपको पंद्रह प्रोजेक्ट देने वाले उसके बाद में होती है जो विदाई हो जाती है विदाई होने के आपको चौदह प्रोजेक्ट मिल जाते हैं उसके बाद में जो लड़की की विदाई होने के बाद लड़की पहुंच जाती है ससुराल में ससुराल में उसका होता है गृह प्रवेश गृह प्रवेश में आपको मिल जाएंगे 19 प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार थ्री डी और बिट टू बिट प्रोजेक्ट उसके बाद आपको मिलेंगे रिसेप्शन की पार्टी होती है वो रिसेप्शन की पार्टी में आपको मिलने वाले हैं टोटल दो प्रोजेक्ट क्योंकि रिसेप्शन पार्टी बहुत ही रेयर केस में होती है और उसके बाद जो रिसेप्शन होता है जहाँ पे सारे गांव के लोग आते हैं खाना वगैरह खाते हैं तो रिसेप्शन की प्रोग्राम होगी इसमें आपको मिलेंगे 20 प्रोजेक्ट उसके अलावा भी कई बार क्या होता है आपको मुस्लिम की प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ती है तो मुस्लिम निकाह के हम आपको टोटल 26 प्रोजेक्ट तो इसी के साथ में देने वाले हैं तो ऐसे मिला के कुल मिला के आपको चार प्रोजेक्ट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं तो हमने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करवा दी कि किस विधि के कितने कितने प्रोजेक्ट इसके अंदर देने वाले हैं तो उम्मीद करते हैं ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी ये प्रोजेक्ट है जो किस किस टॉपिक पे कितने कितने प्रोजेक्ट है आपने अच्छे से देख लिया होगा एटलीस्ट आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कितना प्रोजेक्ट इसके अंदर है अब मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी बता देता हूं अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहो तो कितना आपको डाउनलोडिंग करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन डाउनलोडिंग करोगे तो हम आपको डाउनलोडिंग का है जो लिंक दे देंगे उस लिंक में आपको जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि चौसठ एक फाइल टोटल वन फाइल है और पर फाइल है जो मैं आपकी प्रॉपर्टी चेक रहा हर फाइल है जो एक जीबी का है मतलब चौसठ आपको एक सौ चौसठ जीबी वन सिक्सटी फोर जीबी डाटा की जरूरत पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे तो मुझे लगता है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए एक सौ चौसठ जीबी डाटा का जुगाड़ करना डाउनलोडिंग करना मुश्किल हो जाएगा हालांकि एक एक जीबी का पार्ट है आपको एक जीबी एक साथ डाउनलोड नहीं करना है एक एक जीबी का पार्ट है जो आपको डाउनलोड करना है अगर आप, आप रिचार्ज करा के भी कर ले हो, तो भी कर सकते हो वो आपकी मर्जी है आप डाउनलोडिंग कैसे करना है उसका डाटा का मैनेजमेंट कैसे करना है ये चीजें आपको देखनी है मैं आपको टोटल है जो एक पार्ट प्रोवाइड करवा दूंगा ऑनलाइन एक लिंक के थ्रू जैसे ही आप इन्हें डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो ये आपका सामने एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा इसके अंदर भक्ति स्टार्टिंग तिलक बॉय साइड गर्ल साइड हल्दी माटी कोड लावा जिन्हू मार्टी कोड ये बॉय साइड का ये गर्ल साइड का ये सेरा बंदी, ये ये भारत रास्ता टोटल जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूं ये इतने प्रोजेक्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे हर एक विधि का मास्टर प्रोजेक्ट है आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर इसका ये जो मास्टर प्रोजेक्ट पड़ा है अगर आप भक्ति और स्टार्टिंग का ये मास्टर प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट करा लोगे तो ये आपका भक्ति और मास्टर प्र... जो स्टार्टिंग के जितने भी प्रोजेक्ट थे वो एक बार में एक साथ में आपका खुल जाएगा इसी प्रकार के मैं आपको आगे यूज करके भी दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इनको यूज कर सकते हो अगर आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं अपने पीसी के अंदर सॉरी हार्ड डिस्क के अंदर मंगवाऊ तो मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको चेक करा देता हूं ये प्रॉपर्टी लोड हो रहा है वन नाइन्टी का डाटा है अगर आप ऑफलाइन मंगाते हो तो आपको जिप फाइल नहीं मिलेगी सीधा ये डाटा एक्सट्रैक्ट करा हुआ मिलेगा फोल्डर टू फोल्डर सीधा आपको मिलेगा तो हार्ड डिस्क का जो प्राइस है हार्ड डिस्क तो खरीदने की जरूरत नहीं है खैर क्योंकि एक सौ जीबी डाटा है एक सौ जीबी डाटा है तो दो सौ जीबी की एस आती उसके है उसके अंदर बहुत और दो सौ चालीस जीबी एस एस डी का प्राइस मार्केट में चल रहा है एट लीस्ट आई थिंक चल रहा है जब 1600 या पंद्रह सौ तो पंद्रह सौ आपको खर्चा आएगा स्टोरेज डिवाइस का अगर आपके पास नहीं है और आप हमसे खरीदोगे तो, तो पंद्रह सौ आपको खर्चा आ जाएगा एस का सौ रुपए खर्चा जाएगा आपको कुरियर चार्ज का और हजार रुपए चार्ज हम लेंगे अपना डाटा का प्राइस का तो टोटल आपको लगभग पच्चीस सौ छब्बीस सौ रुपये में ये डाटा आडे एस डी सही कुरियर सही डाटा सहित आपके घर पे पहुंच जाएगा और ये डाटा बहुत सफिशियंट डाटा है आपकी मिक्सिंग करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि ये एकदम थ्री डाटा है तो मैं आपको नेक्स्ट अभी इसको यूज करके सिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा तो मैं अपना है जो ईडीएस ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर मैं न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूं और प्रोजेक्ट में 1920 सौ बीस एक हजार अस्सी रेशियो बाई नाइन पच्चीस टू चैनल का प्रोजेक्ट ले लेता हूं और उसको ओके okay पे क्लिक कर देता हूं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मेरा प्रोजेक्ट है जो नॉर्मली ओपन हो गया है अब मैं सबसे पहले अपने को क्या करना? जो बिन बिन के अंदर आप क्लिप जिनको आपको मिक्सिंग करनी है तो ये क्लिप है जो मैं बिन के अंदर ले आता हूं ये मैंने एंटर एंटरदाबाज यार मेरी क्लिप है इंपोर्ट होना चालू हो गई है तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी क्लिप है जो बिन के अंदर आ चुकी है बिन से सीधी सारी क्लिप है मैं लेकर आ जाऊंगा अपने टाइम के ऊपर एड टू टाइम लाइन क्लिक कर दूंगा और ये सारी क्लिप है जो मेरी टाइम के ऊपर आ गई है और मैं इनका थोड़ा साउंड बंद कर लेता हूं आपको अपने हिसाब से मिक्सिंग करना है अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि करना कैसे जैसे कि अभी ये पूजा जल्दी गणेश पूजा और हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट डालना है तो स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट डालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले एक काम करिए आप बिन खाली कर लीजिए बिन में अपने को एक बार काम हो जाए इसके बाद बिन खाली कर दीजिए अब यहां पे इंपोर्ट सीक्वेंस में आना है अपने को इंपोर्ट सीक्वेंस कर देना है और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका डाटा पड़ा है मेरा पड़ा है शायद जे में तो मैं शायद सबसे पहले लूंगा अभी भक्ति और स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट लूंगा इसके अंदर जो मास्टर प्रोजेक्ट है इसको इंपोर्ट टू बिन है जो सेक्शन अपना चालू रखना है कॉपी क्लिप इन प्रोजेक्ट फोल्डर कॉपी रेंड्रेड फाइल ये अपने को नहीं करना है क्योंकि ये अपना फालतू का लोड बढ़ाता है फालतू का टाइमिंग बढ़ाता है और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी सीक्वेंस है जो सारी इंपोर्ट हो गई है अभी देख रहे हैं कि भक्ति और स्टार्टिंग का फोल्डर बन गया है इसके अंदर इतने सारे सॉन्ग है जो भी सॉन्ग आपको लगाना जैसे आजा मातुन ये है तो इस इसपे जैसे क्लिक करोगे तो बिन के अंदर ये एक एक टाइप की सीक्वेंस बनी है इस सीक्वेंस को अपने को क्या करना रहेगा कि जस्ट नॉर्मली इसको खींच के लेके आना है और अपने वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देना है अभी आपको लग रहा होगा कि मिक्सिंग हो गई जबकि मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई है इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जहां तक ये वीडियो टू ट्रैक पे सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के बराबर की क्लिप को कटिंग करना पड़ेगा तो जैसे ही क्लिप कटिंग करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी पीछे वाले हाँ पे मैं नीचे वाली वीडियो पे सीधे दूंगा ये कटिंग हो जाएगा आगे वाला बराबर इसके अब यहां से इसको मैं खेद के सेलेक्ट कर लूंगा सेलेक्ट करने का मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताता हूँ आप पीछे वाली क्लिप को क्लिक सेलेक्ट uh, कर लीजिए फिर आगे आ जाइए फिर कुछ भी मत कीजिए शिफ्ट दबा के रखिए और ये नेक्स्ट क्लिप को सेलेक्ट कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिकली जो कॉपी हो जाएगा फिर इस पर राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से कट कर देना है तो यहाँ से ये क्लिपें हैं जो हट गई है आप देख पा रहे होंगे अब अपने कोई सीक्वेंस को ओपन कर लेना है सीक्वेंस पे जैसे ही ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो वन ट्रैक के ऊपर एक जाली जाली सा ट्रैक बना हुआ है इस ट्रैक को कुछ भी नहीं करना है जस्ट डबल क्लिक करना है तो ऐड एड वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको कर्सर को है जो नॉर्मली जीरो पे लेके जाना है और वीडियो वन ट्रैक पे आपका ये पेस्ट कर देना है तो मेरा नॉर्मली पेस्ट हो गया है तो अभी आप सीक्वेंस वन पे जाके देखिए कि अपनी नॉर्मली मिक्सिंग हो गई है एकदम परफेक्ट तरीके से कोई भी इसमें मिसिंग नहीं आ रही है अभी इसमें कुछ फाइलों की मिसिंग आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस फाइलों की मिसिंग आ रही है यहाँ पे है जो कपाल बॉय की फुटेज है जो मिसिंग आ रही है कपल बॉय की फुटेज है जो आपको यहाँ पे एक मिनट और दस सेकंड की फुटेज बना देनी है वो कैसे बनानी है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो यूज करने का ये एक सिंपल तरीका है सारे के सारे प्रोजेक्ट है जो ऐसे ही यूज होने वाले हैं सारे के सारे थ्री है और सारे के सारे बिट टू बिट प्रोजेक्ट है जैसे इसको यूज कर लिया तो अब आप अब आपको आप कैसे यूज करना है जैसे मेरे को नेक्स्ट टाइम राधे कृष्ण की जोड़ी है इसको सेलेक्ट करना है तो इस पे क्लिक कर दो ऐसे क्लिक करने के इसकी बिन के अंदर जो मेन एक्सपेंड सेक्शन आता से यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए नॉर्मली खेस के छोड़ दीजिए तो इसके आगे की तो बराबर क्लिप कटिंग हो रखी है अपने पीछे जाएंगे और पीछे की क्लिप को एकदम थोड़ा सा टाइम लाइन को जूम करेंगे और यहाँ पे सीधा के कटिंग कर लेंगे फिर आप नॉर्मली कुछ नहीं ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करो तो भी कर सकते हो और नॉर्मली जो पहले तरीका बताए उससे भी सेलेक्ट कर सकते हो सेलेक्ट करके कट कर दो कट करने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस को ओपन कर दो सीक्वेंस ओपन करने के बाद ये आपका जो वीडियो वन ट्रैक पे है जो उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ये यह पेस्ट कर दिया मैंने तो अभी वापस आप जाके सीक्वेंस वन में जाके देखिएगा तो आपकी मिक्सिंग आपको रेडी मिलेगी बिना कोई झंझट मारी के ये देखिए यहां मिसिंग आपको दिखा रहा होगा ये मिसिंग आपको फोटो रिप्लेस करने पड़ेंगे जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मेरा काम पूरा हो गया तो आप क्वेश्चन के लिए ये भक्ति और स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट इसको यहां से डिलीट कर दीजिए तो आपका ये बिन खाली हो जाएगा अभी नेक्स्ट आप देखते हैं कि अपने को ये हल्दी का प्रोग्राम चालू हो गया है तो अपन हल्दी की सीक्वेंस काम करेंगे लेकिन तो बाकी सीक्वेंस क्लियर हो जाएगी अब बिन के अंदर भी कुछ नहीं है और बाकी अपनी कोई सीक्वेंस भी नहीं खोलिए तो अपना काम है क्लियर क्लियर होता रहेगा अभी नेक्स्ट अपने को क्या करना है अब हल्दी की सीक्वेंस को इम्पोर्ट लेंगे जो मैंने आपको दूंगा तो पे आपको हल्दी माटी को दिख रहा है इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करा लेंगे इंपोर्ट बिन करना जरूरी है इसको इंपोर्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम जरूर लग सकता है दोस्तों लेकिन ये काम एकदम परफेक्टली करता है इसमें कोई दोहराई नहीं है ये देखिए ये अपना आ गया है तो हल्दी क्लास का ये प्रोग्राम जैसे मेरे को रखना है तो मैं सीक्वेंस वन पे आ जाऊंगा जो तो मेन सीक्वेंस है उसको मैं इसके अंदर क्लिक करके और इस सीक्वेंस को यहां से ड्रॉप करते हुए डाल दूंगा इच्छा भी नीचे पड़ी तो ये सीक्वेंस है जो मैंने इसके ऊपर ड्रॉप कर दी गई है अब लेकिन अपनी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है तो इसका तरीका यही है कि अपने जिस जितनी भी इसके नीचे की क्लिपें हैं उस क्लिपा को कटिंग कर लीजिए सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर दीजिए कट करने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस को ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद जो वीडियो ट्रैक पर जाली जाली इस पड़ा वहां पर ले जाइए और वहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए तो ये मेरी पेस्ट हो गई अब सीक्वेंस वन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर मिक्सिंग हो गई है ये देखिए एकदम थ्री डी बिट टू बिट मिक्सिंग अपने कंप्लीट हो चुकी है गाना ऑटोमेटिक इसमें ये अभी इसलिए बता रहा है क्योंकि अपने इसको पूरा वीडियो नहीं डाला है तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना बाकी ये बिट टू बिट प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको गाना बताया वो गाना सारा इसके अंदर आपको मिलने वाला है पूरे की पूरे, पूरे प्रोजेक्ट मिलने वाला है बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आप बॉय कपल की फुटेज कैसे बना सकते हैं उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना बाकी परचेज करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं हम आपको पूरी टेक्निकल जानकारी दे देंगे और आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा